हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और वो है बायोटेक बायो विंगराज का रिव्यू। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं रिगार्डिंग हेयर फॉल कैसे रिड्यूस करें, एंड उससे भी ज़्यादा सवाल हेयर ग्रोथ को कैसे वापस लाया जाए, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। उसके लिए मेरा जवाब है, ये बहुत 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 मुश्किल है। मेरे खुद का ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, लाइक 6 to 7 years हो गया है। मैं बहुत फेस किया इस प्रॉब्लम को, बहुत सारा ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, दवाई खाया, किसी पे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पर मैंने कुछ महीने पहले, लाइक 7 to 8 months पहले, मेरी एक फ्रेंड ने मुझको रिकमेंड किया था एक ऑयल का, तो मैंने उसको खरीदा है। और ये रिव्यू भी मैं अपने खुद के यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसमें मेरा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैंने खुद के पैसों से खरीदा है और ये मेरा 3rd bottle है, एंड इसीलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड जेन्युइनली मुझको इसमें फर्क पड़ा है, मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है, मेरा हेयर ग्रोथ हुआ है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज, मैं जिसका रिव्यू शेयर करूंगी वो तो है बायोटेक बायो विंगराज का रिव्यू। आप लोग देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग है ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इसको आप लोग इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो। जैसे हम लोग अगर कभी ट्रैवल करते हैं तो ऑयल लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑयल का जो बॉटल होता है उसमें से ऑयल गिरता रहता है एंड पूरा बैग में हम लोग जो भी चीज लेके जाते हैं वो खराब हो जाता है एक ऑयल की बॉटल की वजह से। इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, ऑयल लगाते नहीं, और फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि इसका जो बॉटल का ओपनर है वो रोटेट होके ओपन होता है एंड बहुत टाइटली सिक्योर रहता है इसका बॉटल। सॉरी गाइज, मेरा हेयर बहुत प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए मैंने इसको टक कर दिया, सो इग्नोर इट। एंड अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। इसमें आप लोगों को विंगराज प्लांट्स, आंवला फ्रूट, तेसु फ्लावर, मुलेती स्टीम, ब्राह्मी प्लांट, काउ मिल्क एंड गोट मिल्क। ये जो दोनों प्रोडक्ट है, काउ मिल्क एंड गोट मिल्क, इसको मैंने कहीं भी किसी भी ऑयल में नहीं देखा। पता नहीं इसी की वजह से होगा या किसी और प्रोडक्ट की वजह से इसमें हेयर ग्रोथ होता है, जेन्युइनली होता है। ये जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया गया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड इसका फर्क आप लोगों को लाइक एक दिन में तो नहीं आएगा, आप लोगों को रेगुलर यूज करना पड़ेगा। पर हाँ, मैं ये बता सकती हूँ आप लोगों को within 1 or 2 weeks में पता चल जाएगा इसमें हेयर ग्रोथ होता है, हेयर फॉल रिड्यूस नहीं होगा किसी हद तक, क्योंकि जो भी पुराना हेयर रहता है वो फॉल हो जाता है, उसके बाद न्यू हेयर ग्रोथ होता है। सो अगर इसमें आप लोगों को ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल के बाद उसमें रीग्रोथ होता है, वो आप लोग खुद से देख सकते हो यूज करने के बाद। एंड इसको अगर आप लोग कैसे यूज करोगे, हम लोगों का प्रॉब्लम होता है ऑयलिंग करने का टाइम नहीं मिलता, पर अगर नहा रहे हो उससे 30 minutes पहले भी इसको यूज करोगे तो ये आप लोगों को इफेक्टिव होगा। एंड इसमें क्या क्या फायदा है, अगर किसी को एलोपेसिया का प्रॉब्लम है हेयर पे वो काम करता है। मेरा खुद का है ये प्रॉब्लम और ये मेरे हेयर पे काम किया है। एंड इसमें इंक्रेज फ्रेश ग्रोथ एंड डिमिनिशिंग ग्रेइंग, अगर किसी को ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है उसको भी ये रिड्यूस करता है बहुत हद तक। एंड इसमें हेयर लॉस होने से और किसी टाइप का हेयर में अगर इचिंग प्रॉब्लम है उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब आती है उसकी प्राइसिंग पे। इसका जो प्राइस है ये 159 rupees है। ये 100 ml का बॉटल है, मेरे पास अभी 200 ml का मैंने मंगवाया है, उसका प्राइस 250 ऐसा कुछ है। पर ये बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि आप लोग इसको यूज़ करोगे और इसको ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करना होता है, और ये बहुत चिपचिपा आपको महसूस नहीं करवाएगा हेयर पे, बहुत अच्छा है। इसका जो स्मेल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक होता है ना स्मेल अच्छा नहीं होता तो यूज करने का मन नहीं करता, पर इसमें स्मेल बहुत अच्छा है। आप लोग इसको इजीली यूज कर सकते हो इजीली, और इसको यूज करने से आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। एंड ये 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है,
जो कि बहुत अच्छा है और इसमें कोई पैराबेन वगैरह नहीं है जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक थेरापेटिक ऑयल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी कि ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल दे दिया रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया। बहुत सारे डॉक्टर्स आई थिंक रिकमेंड भी करते होंगे इसको। सो गाइस को यूज कीजिए और मुझको प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा आप लोगों के हेयर पे काम कर भी रहा है या नहीं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को अगर आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया है, तो अगर आप लोग लाइक कर दोगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस मेरे चैनल से मिलते रहे। सो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।